नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हमारे पास आ चुका है Z1 Pro, Vivo Z1 Pro, जो कि कल सेल थी तो मैंने कल ही परचेस कर लिया था अनबॉक्स करने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि फ़ोन में आपको क्या क्या मिलेगा, और डिटेल्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहा है और किसी अमेजोन वगैरह पे नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहा है। तो कल इसकी सेल थी, मैंने परचेस कर लिया है इसको आज। तो पहले इसको हम इस पैकेट से निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको पैकेट से निकाल लेते हैं हम। तो दोस्तों, ये है इसकी पैकेजिंग और हमने ये निकाल लिया है। और दोस्तों, आप देखते हैं वीवो Z1 Pro। तो दोस्तों, काफ़ी लोग इस फ़ोन का काफ़ी वेट कर रहे थे। ये इंडियन रिटेलर यूनिट है, ना ही जैसे कई यूट्यूबर्स को मिले हुए हैं कि पहले ही अनबॉक्स करने के लिए मिल गया है। तो दोस्तों, ये है Z1 Pro। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रंट पे आपने देखा होगा वीवो Z1 Pro, और यहाँ देखते हैं यहाँ पे एक स्टिकर वगैरह दिया गया है, लिखा भी हुआ है सील ब्रोकन। अगर सील ब्रोकन होगी तो आप प्लीज़ इसको ना परचेज करें। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पबजी क्लब ओपन। तो बेसिकली ये जो फ़ोन है वो ज़्यादातर फोकस किया गया है पबजी के लिए। पबजी गेमर्स जो गेम्स खेलते हैं, जो बहुत प्यार करते हैं पबजी गेम से, तो ज़्यादातर उसके लिए ज़्यादा फोकस किया गया है इस चीज़ को। तो बैक साइड देख लेते हैं और क्या क्या रिटर्न है। सबसे अच्छी बात दोस्तों की है, ये मेड इन इंडिया, जो काफ़ी सुन के ही अच्छा लगता है। और आपको इसमें और भी चीज़ें रिटर्न लिखी हुई हैं। पहले लिखा हुआ है Z1 Pro और लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 712 आपको मिलता है, और 32 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले कैमरा मिलता है। तो डिस्प्ले के अंदर ही आपको कैमरा मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको, और 18 वॉट फास्ट चार्जिंग आपको अडैप्टर मिलेगा, और AI ट्रिपल कैमरा मिलेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं आप वीवो मेड इन इंडिया। और दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 20,990 लिखा हुआ है, 20,990 रुपये लिखा हुआ है, बट मैंने ये परचेज़ किया है 17,990 रुपये में। तो मैंने ये नो कॉस्ट EMI पे परचेज़ किया है, बजाज फिनसर्व से परचेज़ किया है मैंने। तो मेरे को जो मंथली EMI पड़ी है वो 2,999 की पड़ी है, मतलब 2,999 की पर मंथ EMI पड़ी है मेरे को। तो ये जो वेरियंट है वो है 6 GB RAM एंड 128 GB इंटरनल मेमोरी। तो ये वाला मैंने परचेज़ किया है मॉडल, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ करें 64 GB 4 GB RAM वाला, जो 14,990 रुपये का आता है। और एक और जो मॉडल है वो है 6 GB RAM 64 GB, वो है 16,990 का। तो 2,000 का डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप बीच वाला मॉडल ना खरीदें, मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हायर मॉडल में जाना, 6 GB 128 GB जो आपको 17,990 का पड़ेगा, या तो फिर आप एकदम बेस मॉडल पे ही जाएं जो आपको 14,990 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग और फिर बात करते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर सील अगर खुली होगी या ब्रेक होगी तो प्लीज़ इसको मतलब खोलना ही नहीं, सीधा इसको रिप्लेस करवाना है। तो दोस्तों, हमने सील ब्रेक कर ली है और हम इसको खोलते हैं डब्बे को। और पहले जो निकल के आता है वो कुछ पेपर गाइड वगैरह होंगे। हाँ जी, यही है। तो आपको पेपर गाइड्स वगैरह मिलती है, सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेगी आपको कि इसमें क्या क्या मिलेगा वगैरह वगैरह। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसमें कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। तो इसको साइड में रखते हैं, और आपको एक चीज़ मिलेगी, एक सिलिकॉन केस, प्रोटेक्टिव केस है ये, सही है, क्योंकि आजकल Realme 3 ब्रांड, काफ़ी ब्रांड जो है वो प्रोवाइड करवा रही हैं ये केस, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो मैं बाद में बताऊँगा क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, और अगला है वो है हमारा फ़ोन। तो फ़ोन को मेन जो प्रोडक्ट है हमारा फ़ोन है, तो फ़ोन को हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं और फ़ोन के बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। तो और देख लेते हैं और बॉक्स में क्या मिलता है। कुछ स्टिकर वगैरह मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टिकर मिलते हैं, और कुछ नहीं है। और देखते हैं और क्या मिलता है। आपको एक मिलेगा चार्जर, फास्ट चार्जर है, देख सकते हैं आप वीवो का, काफ़ी हैवी चार्जर है ये, काफ़ी हैवी चार्जर है। और आप देख सकते हैं इसके आउटपुट को,
तो इसे भी साइड में रख लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैवी भी है ये तो, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। फिर अगला है दोस्तों, ये हमारा माइक्रो यूएसबी केबल मिलेगा आपको, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बुरी नहीं कह सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है। एक सरप्राइज जो है जो दोस्तों इस बॉक्स में है, वो है इसका ईयरफोन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ईयरफोन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि वीवो ने प्रोवाइड किया है ईयरफोन। तो पहले से खोल लेते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। ईयरफोन तो प्रोवाइड किया है वो अच्छी बात है, बट इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और फिर हम इसको जब बाद में रिव्यू करेंगे तो हम इसका म्यूजिक वगैरह भी सुनेंगे कि कैसा है। तो दोस्तों क्वालिटी अच्छी है, बुरी क्वालिटी नहीं है, सही क्वालिटी है। उतनी मैं मतलब अप टू द मार्क नहीं कहूंगा, बिल्कुल हाई फाई क्वालिटी नहीं कहूंगा, पर हाँ अच्छी है, काफी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर आपको बटन दे रखा है जिससे आप कॉल एंड और आंसर कर सकते हैं, और माइक्रोफोन भी दे रखा है, तो काफी अच्छी क्वालिटी है। इसको भी साइड में रखते हैं। तो बॉक्स में और दोस्तों और कुछ नहीं मिलता है, तो इसको साइड में रख लेते हैं और आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट की तरफ। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है वीवो Z1 Pro, और पकड़ने में काफी मुझे हैवी लग रहा है, क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा हैवी तो होगा, बट हैवी भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ मॉडल हमने पकड़ रखा है, सही मतलब अच्छा फील हो रहा है। तो इसको दोस्तों खोल लेते हैं, और यहां से खोलते हैं। और पेपर को साइड में रखते हैं, इस पॉलीथिन को। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये फोन, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन डिस्प्ले कैमरा भी दे रखा है 32 MP, और बैक साइड जो मैंने मंगाया है ये है ब्लू कलर में, सोनिक ब्लू से बोलते हैं, और शाइनिंग काफी शानदार है इसकी दोस्तों, शाइनिंग में ये काफी अट्रैक्टिव है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो साइड में आते हैं, यहाँ पे आप सिम ट्रे मिलेगी, और यहाँ पे आपको एक स्पेशल फिजिकल बटन दे रखा है जो कि गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करेगा। यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3.5 mm जैकपॉट, और एक माइक्रोफोन, और माइक्रो यूएसबी पोर्ट, सॉरी टू से यू कि इसमें सी टाइप आपको नहीं मिलता है, और ये है स्पीकर ग्रिल। तो दोस्तों साइड में और आ जाते हैं आपके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर ऑफ और ऑन का बटन दे रखा है, ये पे यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर दे रखे हैं। जो बटन फीडबैक जो है इसका, वो काफी अच्छा है, मेरे को कोई भी क्वालिटी में ऐसा नहीं लग रहा कि बेकार क्वालिटी लग रही हो। है तो ये प्लास्टिक की, पर अच्छी क्वालिटी लग रही है, जैसे कुछ होते ना प्रोडक्ट में थोड़ा सा ये हिलने लग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, काफी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये जो बैक है ये ग्लास नहीं है, और ना ही ये मेटल है, ये जो यूज किया गया है बैक, ये प्लास्टिक है, बिल्कुल पूरा प्लास्टिक है ये, जो बहुत ही डिसअपॉइंट है मेरे हिसाब से। अब दोस्तों पहले इसको बूट कर लेते हैं, और फिर मैं आपको और भी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हम इस सेटअप कर चुके हैं, हमने फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट भी सेट कर चुके हैं हम, और मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा फेस अनलॉक की स्पीड क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फेस अनलॉक की स्पीड, आप देख ही रहे हैं कितना फास्ट खुल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा खुल रहा है, बहुत फास्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिव है। अब इसका फिंगरप्रिंट ट्राई करते हैं, और ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, बहुत फास्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इसके स्पेसिफिकेशन की। फ्रंट में ना आपको बताया 32 MP कैमरा मिलता है, इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो है 16 MP कैमरा, विद सोनी IMX499 के साथ आता है, और जो इसका वाइड एंगल कैमरा है वो 8 MP कैमरा है, और 2 MP डेप्थ कैमरा दे दिया गया है, और LED फ्लैश दी गई है। तो दोस्तों ये था इसका कैमरे के बारे में। अब जो स्क्रीन के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसमें स्क्रीन जो दी गई है वो 6.5 इंच की स्क्रीन दी गई है, IPS पैनल यूज किया गया है, और फुल HD+ डिस्प्ले है इसकी, तो काफी अच्छी डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं व्यूइंग एंगल भी इसका बहुत अच्छा है, शार्प है एकदम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफी अच्छी डिस्प्ले है। तो हम इसके जो ये वेरियंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 6 GB 128 GB इंटरनल मेमोरी है। तो दोस्तों हम इसके मेमोरी जाते हैं कि, और देखते हैं कि हमको क्या क्या स्टोरेज मिलती है। तो हम जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है रैम एंड स्टोरेज स्पेस, आप देख सकते हैं 6 GB रैम और टोटल स्पेस 128 GB, जो जो हमको अवेलेबल स्पेस मिलती है वो 115 GB मिलती है, आपने जैसे कि देख लिया है।
दोस्तों ये ओटीजी सपोर्ट भी करता है, काफी अच्छी बात है ये बात। और देखते हैं दोस्तों हमको नीचे जो ये थोड़े शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो आईफोन की तरह होते हैं, जैसे नीचे से खुलता है ये, तो काफी अच्छी बात है ये। मुझे जो इसकी खास चीज पसंद नहीं है वो है इसका ओएस, फन टच ओएस मिलता है जो मुझे खास पसंद नहीं है। एंड्रॉयड पाई के साथ आता है ये, जो एकदम लेटेस्ट वर्जन की से आता है ये। दोस्तों जो स्क्रीन है वो रियलमी प्रो 3 से काफी बड़ी है, काफी बड़ी नहीं कहूंगा, थोड़ी सी बड़ी है। और जो इसका जो चौड़ापन है ये काफी ज्यादा है रियलमी 3 प्रो से, मतलब एक हैंड से आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको दोनों हैंड का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों प्रोसेसर जो इसमें दिया गया है वो स्नैपड्रैगन 712 दिया गया है, काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रियलमी 3 प्रो में 710 का प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन, तो दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 19-20 का फर्क ही आएगा, ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। और दोस्तों इसमें कुछ चीजें जो नहीं दी गई हैं, पहली बात तो ये है इसमें टाइप सी पोर्ट नहीं दिया गया है, सेकंड चीज जो है इसमें कोई भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, थर्ड चीज इसमें एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। तो इस प्रोडक्ट को लेके काफी ज्यादा हाइप सी बनी हुई थी यूट्यूब पे कि ये परफेक्ट फोन है, ये है वो है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ परफेक्ट फोन तो मेरा पिक्सल 3 भी नहीं है, वो भी हीटिंग इश्यू करता है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों बेकार फोन है, इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा फोन है, पर जो भी यूट्यूबर्स हैं जिनको पहले ही ये फोन मिल चुका है अनबॉक्सिंग करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, तो वो मैं बस ये चाहता था कि वो लोग इसकी अच्छाई भी बताएं और बुराई भी बताएं जिन्होंने नहीं बताई है। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग वीडियो, थोड़े मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखाऊंगा तो आप उसको जज करना खुद ही, और आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि इसका कैमरा कैसा है, और फिर इसके बाद हम एक दो हफ्ते बाद इसको यूज करेंगे, उसके बाद हम आपको इसका रिव्यू देंगे कि ये सच में सही है या नहीं है, क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी भी दे रखी है जो बहुत ही अच्छी बात है इसमें। तो ज़्यादा जो कंपनी ने जो इसमें हाईलाइट किया गया है वो गेमिंग के लिए ज़्यादा किया गया है, और प्रोसेसर इसका काफ़ी बढ़िया है, बैटरी इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई हैं और बाकी चीज़ें में इन्होंने फोकस नहीं किया है। तो दोस्तों बात ये है कि कंपनी अगर पैसे नहीं कमाएगी तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग तो करेगी, अगर सब कुछ दे देगी फिर वो पैसे ही क्या कमाएगी, तो इसमें कॉस्ट कटिंग तो की गई है। बट मैं चाहता था कि इसमें यार गोरिल्ला क्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती ना, तो यार ये फोन ना आई थिंक बीट करता हर किसी ब्रांड को, क्योंकि रियलमी 3 प्रो को ये लोग कम्पीट कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं उसको, और उसको थोड़ा मतलब डाउन साइड दिखा रहे हैं कि रियलमी 3 प्रो में ये प्रॉब्लम है, फलाना है, ढिंगाना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि उसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है, 710 का प्रोसेसर भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है, वो भी गेमिंग में इतना मस्त है, मैंने आपको दिखाई चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल में कि इसकी गेमिंग कितनी अच्छी है। तो मैं इसको भी गेमिंग के लिए भी टेस्ट करूंगा, कैमरा टेस्ट करूंगा, फिर हम दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। पर दोस्तों ये परफेक्ट फोन नहीं है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 14,990 रुपये में आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं जो इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बेस्ट है, बस यही चीज़ है। और इसमें कुछ खामियाबियाँ हैं, अच्छाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, खामियाबियाँ हैं, एक पॉइंट से जो मुझे ज्यादा लगता है वो है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, जो मेरे ओपिनियन में मुझे लगता था कि इसमें देना चाहिए था। बाकी इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसा फोन है ये, और अभी हम आपको थोड़ा सा कैमरा सैंपल दिखाएंगे और आप जज करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको इसके फोटोज कैसे लगे। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग वीडियो वीवो Z1 Pro का, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग दोस्तों मेरी वीडियो जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी, मैं प्रोडक्ट्स और भी परचेज कर पाऊंगा और आपको उसको दिखा पाऊंगा और रिव्यू भी कर पाऊंगा कि ताकि आपको पता चले प्रोडक्ट में क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, इवन इंसान भी परफेक्ट नहीं है, तो फ़ोन भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों बस ये होता है आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो किस चीज़ के लिए है, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, जैसे प्रोटेक्शन, तो ये सब चीज़ें, कितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उस चीज़ के लिए आप जा सकते हैं, पर ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है 14,990 रुपये में। तो दोस्तों हम इसका रिव्यू भी लेके आएंगे,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो मेरे से, तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो और कुछ नहीं है। मैं इसमें कोई रिव्यू देना नहीं चाहता जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। लगभग मैं इसको 2 हफ्ते यूज़ करूँगा, 1 से 1.5 2 हफ्ते तो पक्का यूज़ करूँगा, तभी जाके मैं इसका रिव्यू करूँगा। बाकी मैं गेमिंग रिव्यू भी लेके आऊँगा जल्दी ही। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे जाके और भी प्रोडक्ट परचेस कर पाऊंगा और आपके सामने लेके आ पाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेजेट के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू। और अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए प्लीज़। मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।